एनडीएमसी कर्मचारी उत्थान संगठन के द्वारा आज सन्नी चंदेलवाल को संगठन में शामिल किया गया और इस मौके पर एनडीएमसी कर्मचारियों के उत्थान के लिए हर तरह की मदद के लिए आश्वासन दिया गया। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सर, हमारे तीन चार मुद्दे हैं। एक हमारे मृतक कर्मी हैं जो 1000 कुछ हैं, और एक हमारा आरएमआर का था और एक हमारा डीटीएल का था। ये तीनों बड़े हमारे कर्मचारियों के बहुत अहम मुद्दे हैं और ये हम लड़ाई जारी रखेंगे। बहुत ही यूनियन कर रही हैं, करती रहेंगे। हमने भी अपने संगठन को आज पूरे दल बदल से आप देख रहे हैं कितने संख्या में लोगों आए हैं और इनकी पूरे सब एकजुट हो चुके हैं। और किसी कारणवश बहुत से लोग नहीं आए हैं, कोरोना काल के चक्कर में हमने ज़्यादा तनबल भी नहीं इकट्ठा किया है। और अध्यक्ष महोदय जी से, सेक्रेटरी महोदय जी से हम जाके मिले भी हैं और एक बार फिर मिलेंगे और हम अपनी मांगों को ये करवा के छोड़ेंगे। सर, जैसे आज देखा जा रहा है यहाँ पे पद भी आप लोगों ने दिए, किसको क्या पद दिए? जैसे कि हमारे सनी चंदेलिया जी हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं और बहुत बड़ी हमको ताकत मिली है। हमारी यूनियन को बड़ी अच्छी, संगठन को बहुत ही ताकत समझो, महाबल हो गया हमारा। एक हमने इनको महासचिव के रूप में रखा है और वैसे भी हमारे बड़े भाई हैं, बहुत ही एक्टिव हैं और हर समस्या को लेकर चलते हैं। तो हमें संगठन में भी हमें एक थोड़ी मजबूती मिली है इनके आने से। आप वाल्मीकि रत्न से सम्मानित हैं, हाथरस कांड आपके माध्यम से ही उभरा था जी, और तमाम हरियाणा से लेकर के यूपी तक ऐसा कोई भी वाल्मीकि समुदाय नहीं है जो आपके नाम की चर्चा न कर रहा हो जी। तो आज आप जो एनडीएमसी कर्मचारी उत्थान संगठन के जनरल सेक्रेटरी यानी महासचिव चुने गए हैं जी, क्या उम्मीद दे पाएंगे अपने उन नौजवान साथियों को जो दर्द मारे मारे फिर रहे हैं? देखिए जी, पहले तो जय वाल्मीकि, जय भीम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आज जो ये संगठन यूनियन ने मेरे को एक पद दिया है, जो मुझे पोस्ट दी है, मैं उस पर बहुत पूरी कोशिश करूँगा 101% के उस पर अच्छा उतरूँ। और जो समाज की और 36 बिरादरी की जो पीड़ा है ना, क्योंकि इस एनडीएमसी में सबसे पहले तो मैं चाहे यूपी का दौरा करूं या हरियाणा का, राजस्थान का, लेकिन सबसे पहले हमें अपना घर भी देखना चाहिए। क्योंकि अगर घर में अगर हम एनडीएमसी की अपने बहनों का, भाइयों के काम नहीं आ सकते तो ये जीवन बेकार है। और क्योंकि एनडीएमसी एक ऐसा है कि डेथ केस हो जाता है, डेथ केस की नौकरी नहीं मिल पा रही, 6-6 महीने के मिस्टोल नहीं मिल पा रहे, डीटीएल के लिए जैसे अभी कटाना साहब ने कहा है, क्योंकि हेल्थ में भी अभी सबसे ज़्यादा, अगर काम तो सभी करते हैं लेकिन आज कोरोना महामारी में सबसे ज़्यादा अगर कोई काम कर रहा है तो सफाई योद्धा कर रहा है, सफाई सैनिक कर रहा है, जो कोरोना महामारी में ऐसे हमारी सुबह माताएं बहनें अपने घरों से निकलती हैं, चाहे वो हॉर्टिकल्चर का काम हो या हेल्थ का काम हो, और बड़ी ईमानदारी से करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इतनी यूनियन चलने के बाद भी यहाँ पर वाल्मीकि समाज और 36 बिरादरी के जो हमारी बहन बेटियाँ जो रेगुलर हैं, वो कब पक्के होंगे? अब नहीं पक्के होंगे तो कब होंगे? वो उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको कहीं लोन नहीं मिल सकता है, एक एनडीएमसी से सोसाइटी नहीं मिल सकती, तो वो बच्चों का, अपने बच्चों का लालन पोषण कैसे, विवाह शादी कैसे करेंगे? क्योंकि एक निर्भर है सिर्फ नौकरी के लिए। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर कटाना साहब ने मेरे को, मेरा भी मन था कि कोई अच्छी यूनियन मिले और उनके साथ में काम करूं, क्योंकि यूनियन वो बहुत हैं। मुझे किसी के बारे में मैं नहीं बोलूंगा कि कोई अच्छी है या बुरी है, क्योंकि हमने अब जब इस यूनियन के अंदर आए ना, तो कुछ ऐसा करके दिखाना है कि समाज 36 बिरादरी को ये दिखाना है कि यूनियन बहुत आई और बहुत चली गई, लेकिन मैं आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के, और कहीं ईंट से ईंट बजानी पड़ेगी तो पूरा वाल्मीकि समाज, हेल्थ डिपार्टमेंट आपके साथ में कटाना है। जी चंदेलिया जी, आप वाल्मीकि रत्न से सम्मानित भी हैं और आपका जो बड़े बेटे की शादी एक शर्मा परिवार से होने जा रही है। जी जी, धन्यवाद। अभी फरवरी में शादी है बेटे की। देखिए, अभी मैं बोल रहा था ना कि ऊंची जाति, नीची जाति, ये सब चीज़ भेदभाव अब खत्म हो चुका है। कटाना साहब हमारे परिवार जैसे, मीणा साहब हमारे परिवार जैसे, और सभी हम लोग एकजुट होके, क्योंकि अब हमें ना, अब अपनी जब तक हमारी सोच बदलेगी नहीं ना, तो हम आगे नहीं बदलेंगे। अभी पंडित की बेटी मेरे घर में आ रही है, जो आप सवाल पूछ रहे हैं, अभी 16 फरवरी को एक पंडित की बेटी, क्या वो मेरी बेटी है, वो 16 फरवरी को, क्योंकि जाति ऊँची जाति, नीची जाति सब खत्म हो चुका है। अब हमें सिर्फ एनडीएमसी के अंदर आंदोलन करना है, अगर भूखर ताल पे भी बैठना पड़े, सबसे पहले सन्नी चंदेलिया बैठने को। कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि एनडीएमसी कर्मचारी उत्थान संगठन यूनियन और बहुत सारी है, उनसे हटकर है,
जो हमारा नेतृत्व है खटाना जी का, हमारे सनी चंदेलिया जी, हमारे वेदपाल भाटी जी और अन्य भाई लोग हैं, ये तन मन धन से समर्पित हैं। यूनियन इसलिए बनाई जाती है कर्मचारियों के हित के लिए। आज पहली बार ऐसा है कि कर्मचारियों के हित के लिए ही ये यूनियन काम करेगी और हमारा नेतृत्व जो लोग कर रहे हैं वो तन मन धन से समर्पित हैं। सहयोगियों को प्रणाम। मुझे आशा है कि हमारे जो भाई हैं किशन पाल जी, सनी जी, इस संगठन को बहुत आगे ले जाएंगे और जो भी हमारे साथियों की समस्या है उसका समाधान करेंगे और प्यार मोहब्बत से करेंगे। और यही जो इन लोगों की, हम लोगों की जीत होगी जो ये लोग हमारे लिए कार्य करेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि जल्दी से जल्दी सभी लोगों की समस्याएं, जैसे कि हमारे आरएमआर भाई हैं उनकी भी समस्या होगी, सेवन पे कमीशन की होगी, डीटीएल की होगी, सभी की हमारे भाई किशनपाल बहुत आगे ले जाएंगे और जल्दी से जल्दी उनको काम करना पड़ेगा। हमारा मिल जाते थे घटाना सर, आज वो भी खत्म हो गए। तो बेरोजगारी इतनी है कि बहुत ज्यादा, और होल्टीकेचर में, सिविल में, सब में मिस्टॉल आते थे, हेल्थ में आते थे। आज क्या हो गया कि आज मिस्टॉल तक नहीं आ पा रहे और हम लोगों की फूट और इन लोगों की, अफसरों की जीत हो रही है। वो कहते हैं घर की फूट और जगत की लूट, ये हिसाब चल रहा है। और जितनी यूनियन है, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि भैया यूनियन बना रखी है तो उसका सही प्रयोग करें और हमें बहुत एकजुट होके हमें बहुत लड़ाइयां लड़नी है, नहीं तो फिर अपने घरों में बैठे रहो, ऐसे ही अत्याचार होता रहेगा। और जो हमारी समय समय पे डिमांड है वो हमें पूरी करानी है, और कैसे करानी है, हमें किसी का सर नहीं फोड़ना है लेकिन अपनी आवाज हमें बुलंद रखनी है। क्योंकि अगर अब नहीं बोले तो हमारी नस्लें गूंगी पैदा होंगी। मेरी वाणी में कहीं गलती हो, आज मेरा पहला दिन है मैं आपके साथ में रूबरू हो रहा हूँ, और आगे से जहाँ मेरे को बुलाया जाएगा मैं आप लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार हूँ। जय वाल्मीकि, जय भीम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। लाइक, शेयर एंड कमेंट। टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।